दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 2 दिन के अंदर में बिग बिलियन डेज आने वाला है फ्लिपकार्ट का, और वो बहुत ही एडवर्टाइज कर रहे हैं कि डेबिट कार्ड से ईएमआई बनाए। तो मेरे बहुत से दोस्तों ने मेरे से पूछा कि डेबिट कार्ड से ईएमआई बनाना मतलब क्या। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने खुद पहले एक ट्राई किया कि डेबिट कार्ड से ईएमआई कैसे बनता है, ताकि मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दे पाऊँ। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बिग बिलियन डेज करके सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। इंस्टेंट 10% कैशबैक भी है अगर आप HDFC के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करते हैं, और प्लस नो कॉस्ट EMI भी ये बता रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको थोड़े दिन में समझाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कैशबैक और सारी चीज़ें कैसे मिलती हैं, तो मैंने रेडमी नोट 5 प्रो जो है गोल्ड 64 GB का मैंने ख़रीदा था, उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 14,999। उस टाइम पे प्रमोशनल डिस्काउंट ये जो 750 आपको दिख रहा है, और ये प्रमोशनल डिस्काउंट एक और 650 जो दिख रहा है, ये एक्चुअली में क्या है मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। आप अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, ये है 5% ऑफ ऑन HDFC बैंक डेबिट कार्ड EMI फॉर सेलेक्ट यूजर। तो मैंने डेबिट कार्ड से EMI बनाया था इसका, तो जिसके लिए मुझे 5% का कैशबैक मिला अप्रॉक्सीमेटली 750, जो कि डायरेक्टली माइनस हो गया था पेमेंट करते वक्त ही। और नो कॉस्ट EMI का मतलब वही है कि मान लीजिए जो भी अमाउंट आता है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगे, जैसे ये 13,607 है, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगने वाला है वो इंटरेस्ट फ्लिपकार्ट ऑलरेडी माइनस कर देता है प्रोडक्ट के कॉस्ट से, जिससे क्या है कि वो जो इंटरेस्ट है आपको बैंक को पे करना होता है, प्लस फ्लिपकार्ट आपको माइनस करके दे देता है। अब आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि अगर पैसा डेबिट कार्ड से कटने वाला है तो फिर वो EMI का मतलब क्या है? EMI का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड में क्या है, एक भी रुपया हमारा अकाउंट से जाता नहीं है और वो EMI में कन्वर्ट होकर जाता है। यहाँ पे डेबिट कार्ड में EMI का मतलब क्या, तो डेबिट कार्ड का EMI का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने 12 तारीख को ये प्रोडक्ट ख़रीदा था, और उसके बाद ये देखिए 13 तारीख को क्या हुआ, 13 तारीख को मेरे अकाउंट से सेम बैलेंस यहाँ पे कट हुआ, और उसके बाद अगले दिन ही सेम उसी दिन वापस ये क्रेडिट हो गया। जो अमाउंट डेबिट हुआ सेम अमाउंट क्रेडिट हो गया लोन के नाम पे। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है, मैं आपको समझाना चाहूँगा सिंपल वर्ड्स में, कि अगर आप डेबिट कार्ड से कोई भी EMI बनाना चाहते हैं, तो डेबिट कार्ड से EMI बनाने के लिए जितने भी अमाउंट का आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उतना बैलेंस आपके अकाउंट में उस समय पे होना चाहिए। एटलीस्ट 2 दिन तक आपको मेंटेन करना होता है, जब तक कि वो EMI में कन्वर्ट ना हो जाए। तो क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए आज आपको 50,000 का खरीदते हैं, आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है, कल के दिन में वही 50,000 एक बार डेबिट होगा और वापस से क्रेडिट हो जाएगा, और फिर वो जब डेबिट होने के बाद जो पैसा आपको क्रेडिट हो गया तो वो पैसा आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा आपके अकाउंट से और आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पैसा आप बाद में यूज़ कर सकते हैं जैसे ही आपको वापस से रिक्रेडिट हुआ, और उसके बाद आपकी EMI बन जाएगी। एवरी फिफ्थ ऑफ एवरी मंथ आपको EMI आपके अकाउंट से कटता जाएगा, और इस तरीके से आप डेबिट कार्ड पे EMI बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे अगला वाला जो वीडियो है वो मैं EPFO पे बनाने वाला हूँ, मतलब कि PF विड्रॉल कैसे करें। अगर आप जॉब पे वर्किंग है, पहले कैसा ऑप्शन था कि जब तक आप जॉब छोड़ते नहीं हैं तब तक आप PF निकाल नहीं पाते थे, बट अब फिलहाल के सिनेरियो में ये चेंज हो चुका है। और कैसे विड्रॉल करें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, कैसे उसको अपडेट करना होता है वेबसाइट पे, और कितने दिनों में हमारे अकाउंट में पैसा आता है, उसकी सारी जानकारी मैं इसके अगले वीडियो में बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि वो मैं बनाऊं, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके बताएं। अगला वीडियो PF के ऊपर ही होगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।